मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नारू होता है। यह इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। यहाँ पर वो अपने डॉगी सारी के साथ हंटिंग करना सीख रही थी। फिर उसे एक हिरन दिखती है जिसका शिकार करने के लिए वो जाती है, लेकिन वो शिकार नहीं कर पाती है। इसी बीच सारी एक ट्रैप में फंस जाता है। नारू उसे ट्रैप से निकालती है और उसके जख्म में औषधि लगाती है। यहीं पर उसे आसमान में एक बिजली दिखती है। फिर वो देखने के लिए जाती है तो उसे एक यूएफओ दिखती है, लेकिन वो उसे थंडरबर्ड समझती है। फिर वो अपने भाई तांबे के पास जाती है। तांबे यहाँ पर एक बार में ही उड़ते हुए चील को मार देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो एक अच्छा हंटिंग मैन है और नारू से कहता है कि जब हम छोटे थे तब पिता मुझे अपने साथ हंटिंग करने के लिए ले जाते थे और तुम्हें माँ अपने साथ जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए ले जाती थी। साथ ही वो उसे कतामिया के बारे में बताता है। यहाँ पर कतामिया का अर्थ होता है बिग हंटिंग। तांबे उसे बताता है कि अपने पिता से ही हंटिंग करना सीखा है जिसकी वजह से उसे कतामिया मिला यानी बिग हंट मिला। इसके बाद नारू कहती है कि आज सुबह उसने आसमान में एक संकेत देखा जो कि थंडरबोल्ट था और वो अपने कतामिया के लिए तैयार है। यहीं पर तांबे कहता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो कतामिया के लिए। इसके बाद नारू अपने घर यानी कबीले की तरफ जाने लगती है। ये सब जंगल के बीच में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं अपना कबीला बनाकर। किसी भी समय पता चलता है कि इस मूवी की कहानी 1719 की दिखाई गई है। नारू घर जाती है जहाँ पर उसकी माँ कुछ जड़ी बूटियों से औषधियाँ बना रही थी। यहीं पर उसकी माँ कहती है कि तुम हंटिंग करना क्यों चाहती हो, जिस पर नारू कहती है क्योंकि आप सभी को ऐसा लगता है कि मैं शिकार नहीं कर पाऊंगी। तभी वहाँ पर तांबे उस चील को लेकर आता है जिसे कि वो मारा था। फिर इसके बाद नारू वहाँ से चली जाती है। इसी बीच हम एक एलियन के स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें कि एक एलियन निकलता है। यह एलियन प्रेडेटर होता है जो कि अदृश्य था। इसके बाद हम नारू को देखते हैं जो कि कुछ औषधियों को इकट्ठा कर रही थी। फिर वो जब अपने कबीले की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसे काफी ज्यादा शोर सुनाई देता है और उसे पता चलता है कि उसके कबीले से एक लड़के को शेर ने उठा ले गया है। इधर तांबे कुछ लोगों को लेकर उसे ढूंढने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर नारू भी आती है। वो लोग वहाँ से नारू को जाने के लिए कहते हैं। इस पर तांबे कहता है कि अगर वो जिंदा बचा तो नारू को औषधियों के बारे में जानकारी है तो इसे हमारे साथ ही रहना चाहिए। इसके बाद वो सभी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। इसी बस हम देखते हैं कि एक चींटी को चूहा और चूहे को सांप खा जाता है। तभी वहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है जिसे कि वो सांप सेंस कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो प्रेडेटर उसे मार देता है और उसकी खाल को चीर देता है। इधर वो लोग उस लड़के को ढूंढ लेते हैं जो कि जख्मी था, उसे शेर ने नहीं मारा था। यहाँ पर नारू को अजीब लग रहा था क्योंकि शेर अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। फिर नारू उसके जख्म पर औषधि लगाती है और उसे एक खास येलो कलर का फूल खिलाती है जिससे कि उसका खून ठंडा हो जाएगा और बहने से रुक जाएगा, वह जल्दी ही बच जाएगा। यहाँ पर सभी लोग उस लड़के को ले जाने लगते हैं। तांबे उस शेर को मारना चाहता था इसलिए वह शेर की तरफ जाने लगता है और नारू भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन तांबे उसे मना कर देता है और अकेले ही चला जाता है। आगे चलकर नारू को वही सांप दिखता है जिसे कि प्रेडेटर ने मारा था। साथ ही उसे कुछ फुटप्रिंट मिलते हैं जो कि साइज में बहुत ही बड़े होते हैं। फिर वो सभी को दिखाती है जिससे कि वो लोग उसे भालू का निशान समझते हैं। इसके बाद नारू तांबे के पास जाती है। कुछ दूर जाने के बाद नारू तांबे से मिल जाता है और नारू से कहता है कि हम इस वक्त शेर के इलाके में हैं इसलिए हमें चालाकी से रहना होगा, और वहीं पर वो लोग शेर का इंतजार करने लगते हैं। इस पर नारू को एक तरकीब सूझती है और वो कहती है कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहें तो शेर हमारे जाल तक नहीं आएगा और हमें उसे फंसाने के लिए चारा डालना होगा, जिसकी वजह से वो शेर आएगा तब हम उस पर हमला कर देंगे। इस बात से तांबे एग्री करता है और वो अकेले ही चारा रखने चला जाता है। यहाँ पर नारू और उसके साथ का लड़का एक पेड़ पर बैठे होते हैं। वो लड़का नारू को हंटिंग स्किल बताने लगता है। तभी वहाँ पर शेर आके उसे मार देता है और वह नारू पर भी हमला करने लगता है। नारू किसी तरह उस शेर से मुकाबला करती है। तभी उसे कहीं एक दूर एक बिजली जैसा दिखता है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वह पेड़ से नीचे गिर जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह घर पर होती है और उसकी माँ बताती है कि उसे यहाँ तांबे लेकर आया है और वह फिर से शेर को मारने के लिए गया है। इस पर नारू कहती है कि मुझे भी जाना होगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ शेर ही नहीं बल्कि कुछ और भी है, जिस पर उसकी माँ गुस्से से कहती है कि तुम्हें नहीं जाना है। कतामिया का सिर्फ हंटिंग करना नहीं होता है बल्कि सर्वाइव करना भी होता है, जो कि तुम्हें समझना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर तांबे आता है और अपने हाथ में उस शेर का सर लेकर आता है जिससे कि उस कबीले का सरदार खुश होकर उसे कबीले का वार चीफ बना देते हैं। यहाँ पर सभी खुश होते हैं लेकिन नारू खुश नहीं होती है क्योंकि वह फिर यहाँ पर एक बार फिर असफल हो गई। दरअसल उसका सपना होता है वार चीफ बनने का। इसके बाद तांबे उसके पास आता है और नारू उसे बताती है कि वहाँ पर कुछ और भी है जिसने कि शेर को डराया होगा, जिससे कि वह शेर डरकर भाग गया होगा और बिना लड़के को मारे ही। इसे तांबे कहता है कि अगर कुछ और होगा तो मैं उसे देख लूंगा, जिस पर नारू कहती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए रिच लाइन के पास। इस पर तांबे उसे मना करता है। फिर नारू कहती है मैं अकेले ही शिकार करने के लिए जाऊंगी। इस पर दोनों में काफी ज्यादा बहस हो जाती है और तांबे यहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह नारू डिसाइड करती है और खुद को साबित करने के लिए वो अपने डॉग
हॉक सारी को लेकर अकेले ही निकल जाती है और उसे कुछ दूर जाने के बाद उसे उस प्रेडेटर का खून दिखता है जो कि हरे रंग का होता है। साथ ही उसे कुछ फुटप्रिंट मिलते हैं जिसे कि वो मेजर करने लगती है। इसी बीच हम उस प्रेडेटर को देखते हैं जो कि अपने थर्मल स्कैनर से एक भेड़िए को स्कैन कर रहा होता है और उसे मार देता है और उसके सर को काट कर अपने पास ले जाता है। यहाँ पर वो उस सर की चमड़ी को किसी गैस से पिघलाता है और उसकी खोपड़ी अपने पास पर रख लेता है। यहाँ पर हम उस प्रेडेटर को अच्छी तरह से देख पाते हैं जिसका कि शरीर बिल्कुल इंसानों जैसा होता है लेकिन उसका चेहरा किसी क्रिएचर जैसा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह अर्थ पर हंटिंग करने के लिए आया है जिससे कि वो वापस जाकर सभी को दिखा सके कि उसका अर्थ पे कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। इधर नारू को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़ी को अपग्रेड कर रही होती है साथ ही वो हंटिंग स्किल सीखती है। फिर वो एक खरगोश का शिकार करती है और उसे पकाकर खाती है। रात यहीं पर बिताती है। फिर वो अगली सुबह निकलती है जहाँ पर वो देखती है कि यहीं पर किसी ने सभी भैंसों को मारकर उनकी खाल निकाल लिया है। यह देखकर नारू को बहुत ही अफसोस होता है और उसे वहाँ पर एक शिकार जैसी कुछ चीजें मिलती हैं लेकिन उससे समझ में नहीं आता है कि वो क्या चीज है। फिर वो उनके लिए प्रेयर करती है और यहाँ से चली जाती है। आगे चलकर वो एक दलदल में फंस जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो प्रेडेटर वहाँ पे आता है जहाँ पर सभी भैंसों का शिकार हुआ था। यहाँ पर उसे भी वो शिकार मिलता है साथ ही नारू की प्रेयर लिपि मिलती है। यह देखकर उसे लगता है कि यहाँ पर उससे भी कोई तगड़ा शिकारी है। इधर नारू अपनी कुल्हाड़ी फेंककर एक लकड़ी में फंसाती है और वो वहाँ से उस रस्सी की मदद से बाहर निकल आती है। यहाँ पर उसका अपग्रेड किया हुआ तरकीब काम आता है। इसके बाद वो खुद को और कुल्हाड़ी को साफ करती है। फिर वो यहाँ पर एक भालू को देखती है जिसका शिकार करने के लिए जाती है। वह तीर चलाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी धनुष की स्प्रिंग ही टूट जाती है। इस पर भालू उन्हें देख लेता है और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ आने लगता है लेकिन किसी तरह सारी उसे अपने पीछे लगा देता है जिससे कि नारू को मौका मिल जाता है अपने धनुष को ठीक करने का। इसके बाद वो उस भालू का शिकार करने के लिए जाती है लेकिन वो उसे मार नहीं पाती है क्योंकि वो साइज में बहुत बड़ा होता है। फिर वो भालू से बचकर भागने लगती है। फिर वो भालू से बचकर कहीं छिप जाती है। यहाँ पर वो प्रेडेटर आ जाता है और वो भालू से लड़ने लगता है। वो भालू उसे मारकर उसका खून बहा देता है जिसके बाद वो प्रेडेटर एक ही झटके में उस भालू को मार देता है और उसे ऊपर उठाने लगता है जिससे कि उसका सारा खून उसके ऊपर गिरने लगता है। और यहीं पर नारू उसे देख लेती है और डर कर वहाँ से भागने लगती है। वो प्रेडेटर उसे देख लेता है लेकिन नारू नदी के सहारे बहुत दूर तक भाग गई थी। फिर वो जंगल में पहुंचती है जहाँ पर उसके कबीले के लड़के होते हैं जो कि उसे ही ढूंढने आए होते हैं। यहाँ पर वो तांबे के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो दूसरी तरफ गया है उसे ही ढूंढने के लिए। फिर वो उन सबको उस प्रेडेटर के बारे में बताती है लेकिन इन सबको मजाक लग रहा होता है। फिर नारू वहाँ से तांबे की तरफ जाने लगती है तो उसे एक लड़का रोकने लगता है क्योंकि वो तांबे से चिढ़ता था। फिर इसी बीच दोनों में फाइट होने लगती है जिस पर वो सब किसी तरह नारू को बांध कर एक जगह पर रख देते हैं। फिर यहाँ पर वो प्रेडेटर अपने लेजर उस लड़के पर पॉइंट करता है। इसको समझने से पहले ही वो उसे मार देता है। यहाँ पर प्रेडेटर अदृश्य होता है जिस पर वो लोग अंदाजा ही तीर मारते हैं जो कि एक तीर उसके हाथ में जाकर लगती है लेकिन वो प्रेडेटर सभी को मार देता है। इसी बीच नारू खुद को आजाद करके वहाँ से भागने लगती है। फिर आगे चलकर उसे एक लड़का मिलता है जो कि किसी तरह उससे बचकर भाग गया था। वो दोनों यहाँ पर घास में छिपे होते हैं लेकिन वो प्रेडेटर उनके बॉडी से निकलने वाले हीट को स्कैन कर लेता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो प्रेडेटर उस लड़के को मार देता है जिससे कि नारू बचकर भाग रही होती है तो वो एक ट्रैप में फंस जाती है। उसके पास वो प्रेडेटर आता है लेकिन वो नारू को नहीं मारता है। यहाँ पर नारू कुछ समझ जाती है जो कि हमें आगे वीडियो में देखने को पता चलेगा। इसके बाद वहाँ पर कुछ शिकारी आते हैं जो कि उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। जब नारू की आँख खुलती है तो वह एक पिंजड़े में होती है। यहीं पर नारू उस ग्रुप के सरदार को देखकर समझ जाती है कि इन्हीं लोगों ने उन भैंसों का शिकार किया था। फिर वहाँ पर एक रेफलर आता है जो कि कई लैंग्वेज में बात कर सकता था। वह नारू से प्रेडेटर के बारे में पूछता है क्योंकि उन्हें भी उस प्रेडेटर के फेसेस मिले हुए थे। इस पर नारू उन्हें कुछ नहीं बताती है। फिर वह लोग वहाँ पर तांबे को लाते हैं और उसके छाती पर एक लंबा कट लगा कर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। इसके बाद वह तांबे और नारू को एक पेड़ में बांध देते हैं जिससे कि वहाँ पर वो प्रेडेटर आए और वह सब अलग अलग होकर कहीं पर छिप जाते हैं और उसका इंतजार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वह प्रेडेटर काफी चलाक होता है। वह यहाँ पर कई लोगों को मार देता है। यहीं पर वो प्रेडेटर अपने असली रूप में आता है। यहाँ पर तांबे कहता है कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है, हम उसके लिए चारा है। तभी नारू कहती है नहीं, वो ऐसे शिकार नहीं करता है, सिर्फ वो अपने रुकावट को ही मारता है और अपने से ज्यादा ताकतवर को ही मारता है। यहीं पर तांबे उसे बताता है कि तुम्हें पता है मैंने उस शेर को कैसे मारा, क्योंकि तुमने उसे मारकर कमजोर कर दिया था। और कहता है कि तुम सही थी नारू, तुम्हें गलती की भनक लग जाती है, तुम बहुत ही चलाक हो। इसके बाद नारू कहती है कि मुझे पता नहीं यह मारा भी जा सकता है या नहीं। इस पर तांबे कहता है कि अगर इसका खून बहा तो हम इसे मार सकते हैं। इधर उस प्रेडेटर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग जमीन के नीचे होते हैं जो कि उसे फंसा हुआ देखकर बाहर आ जाते हैं और ये
वजह सब यही गलती करते हैं। इसके बाद वो प्लेटेड सभी को एक एक कर मारने लगता है। यहाँ पर सभी को बहुत दर्दनाक मौत मारता है। इधर नारू तांबे किसी तरह आजाद हो जाते हैं। तांबे घोड़े लेने चला जाता है और नारू सारी को लेने के लिए जाती है। यहाँ पर हमें उस प्रेडेटर के कुछ इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक ब्लेड शील्ड होता है, एक चॉपर होता है जो कि बहुत धारदार होता है, और कुछ ऐसे ही गैजेट होते हैं। इधर नारू उन शिकारियों से फाइट करती है और उन्हें किसी तरह मार देती है और सारी को आजाद करके उसे तांबे के पास भेजती है। इसके बाद वहाँ पर वो रेफलर आता है, जिसका कि एक पैर कटा हुआ था। वह नारू से औषधि मांगता है, यानी कि नारू से हेल्प मांगता है। इसके बदला में उसे वह गन देगा और उसे चलाना सिखाएगा, जिस पर नारू मान जाती है। इधर वह प्रेडेटर अपने जख्म को हील कर रहा होता है। इधर नारू उसके पैर में से एक गैजेट निकालती है और उसे अपने पास रख लेती है और उसे वही येलो फ्लावर देती है, जिसे कि वह खा लेता है, जिससे कि उसका खून ठंडा होने लगता है। तभी वहाँ वह प्रेडेटर आ जाता है, जिसे देखकर नारू छिप जाती है और वह रेफलर मरने का नाटक करने लगता है। फिर वहाँ वह प्रेडेटर स्कैन करने लगता है, लेकिन वह उसे नहीं देख पाता क्योंकि उसका खून ठंडा हो गया था। लेकिन जैसे ही वो प्रेडेटर उसके आगे बढ़ता है तो उसका पैर उसके पैर पे पड़ता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। यहाँ पर नारू नोटिस करती है कि वो उस फ्लावर की वजह से उसको नहीं देख पाया। फिर वहाँ पर सारी आ जाता है और उसे भौंकने लगता है और वो प्रेडेटर उस पर अपनी लेजर सेट करता है और तीर चलाने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर तांबे आता है और उसके सर पर मारता है, जिससे उसका हेड शील्ड नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसका लेजर कहीं एक पेड़ पर सेट हो जाता है। इधर वो जितनी तीर सारी पर चलाता है वह सारी को नहीं लग बल्कि उस पेड़ को भी लगते हैं जहाँ पर उसके लेजर सेट हो गए थे। यहाँ पर नारू सब कुछ नोटिस कर रही होती है। फिर यहाँ पर वो अपने हेड शील्ड को उठाता है और लगाता है। इधर नारू उस पर गोलियां चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी गन नहीं चलती है। फिर यहाँ पर तांबे उससे फाइट करने लगता है और उसका काफी ज्यादा खून बहा देता है, जिससे कि वो प्रेडेटर अजीत हो जाता है। यहाँ पर तांबे नारू को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो उसका रुकावट बन गया है और मेरा अंत यहीं पर है, साथ ही उसे घर लौटने के लिए कहता है। फिर वो प्रेडेटर उसे मार देता है। इधर नारू वहाँ से भाग जाती है। फिर नारू एक नदी के पास पहुँचती है, जहाँ पर वो बहुत ही अपसेट होती है क्योंकि उसका भाई मर गया था। इधर उसकी माँ को भी पता चलता है कि अब तांबे नहीं रहा, जिससे कि वो अभी टूट जाती है। इधर नारू नदी के किनारे उस सरदार को देखती है, फिर वो उस पर अपनी गन तान देती है, लेकिन गोली नहीं चलाती है। यहाँ पर वो उस गैजेट का इस्तेमाल करती है जो कि रेफलर के पैर से निकले थे। यहाँ पर नारू उसे बेहोश करके एक जगह पर ले जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि तुमने मेरे भाई का खून बहाया है तो अब तुम्हारा खून बहेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं शिकारी नहीं हूँ, मैं एक रुकावट नहीं हूँ? और वो उस येलो फ्लावर को खा लेती है और कहती है, तुम देख नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें मार रही हूँ? नारू ये लाइन प्रेडेटर के लिए बोली थी। तभी यहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है और नारू को स्कैन नहीं कर पाता है क्योंकि उसका खून ठंडा हो गया था, और उस सरदार को मार देता है। इधर नारू उसके सर पर गोली चलाती है, जिससे उसका हेड शील्ड नीचे गिर जाता है और नारू उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है और उसे एक जगह पे सेट करती है। इसके बाद वो वहाँ पर हर जगह पर ट्रैप लगाती है। फिर वहाँ पर प्रेडेटर आता है। यहाँ पर नारू और सारी मिलकर उसे ज्यादा टक्कर दे रहे होते हैं। यहाँ पर नारू उसका हाथ काट देती है, साथ ही उसका बहुत ज्यादा खून भी बहाती है। फिर किसी तरह नारू उसके चौपर के नीचे आ जाती है। उसका गला कटने वाला ही होता है, तभी नारू उसका दांत उठाकर उसके चेहरे पे घुसा देती है। यहाँ पर नारू किसी तरह उसे दलदल में गिरा देती है। फिर वो प्रेडेटर उस दलदल से बड़ी आसानी से बाहर निकलने लगता है और वो नारू को मारने के लिए अपनी तीर चलाता है, लेकिन उस तीर का लेजर उसी पर पॉइंट होता है, जिससे कि वो तीर उसके सर पर जाकर लगती है और वो मारा जाता है। फिर नारू उसके सर को लेकर कबीले में आती है और उस सर को सरदार के पैरों में फेंकती है और उन्हें वो गन देती है। इसके बाद नारू को वहाँ का वारसी बना दिया जाता है। यहाँ पर उसका सपना पूरा होता है, साथ ही उसके भाई और कुछ कबीलों की जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसके बाद नारू कहती है कि खतरा आसपास ही है, इसलिए हमें यहाँ से सुरक्षित जगह पर जाना होगा। इसके बाद हमें कुछ पेंटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर फिर से तीन स्पेसशिप आए थे, जिसने कि सभी को मार दिया होगा। और इसी के साथ ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी एक्सप्रेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।